हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैथ के और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो इस तरह से मैं आपको आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर टर्म वन एग्जाम 2022, जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं टर्म वन। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे बताए गए क्वेश्चन अगर आप करेंगे, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इजीली पास हो जाएंगे टर्म वन में। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे तब भी आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, वीडियो की लेंथ लंबी चली जाएगी तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपको बताऊंगा कितनी यूनिट्स आएगी। तो टर्म वन में आपकी आएंगी 4 यूनिट्स, ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो आएगी 4 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों, 4 यूनिट्स आएगी। टोटल आपकी जो इसमें यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से 4 आपकी टर्म वन में आ जाएगी, ठीक है। 4 यूनिट आएगी, 4 यूनिट्स आएगी, ठीक है। पहली यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। दूसरी यूनिट है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिलेबस है उसका मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेन क्वेश्चन है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ऑफ करंट, और साथ में है हमारे पास मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और फोर्थ यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो इलेक्ट्रो इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका सिलेबस था कि कौन कौन से आएंगे। अब देखिए मार्किंग कैसे की है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में, तो यहाँ से आएगा आपका 13 नंबर का, और इस यूनिट से आएगा 11 नंबर का, इससे आएगा 13 नंबर का, इससे आएगा 13 नंबर का। यानी कि यूनिट वन से आएगा आपका 13 नंबर, दो से आएगा 11 नंबर का, तीन से आएगा 13 नंबर का, चार से आएगा 13 नंबर का, टोटल हो जाएगा 50, ठीक है। 50 में से आपका एग्जाम आएगा, ठीक है। 20 MCQ आएंगे, बाकी 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए अब मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मुझे पता है कई बच्चों के पास एग्जामिनेशन मास्टर नहीं होगा, तो कई बच्चों का नोट्स होंगे, तो मेरे पास भी नोट्स हैं। ये इसके अंदर पता है कितना खजाना है, आप सोच नहीं सकते, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। मुझे आज ही ये नोटबुक मिली अपने घर पर, ठीक है। ढूंढ रहा था कि मैंने नोट्स बनाए थे पर कहाँ गए, ढूंढे तो मिल गए, ठीक है। तो इसमें ऐसे नोट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ सही सुना दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स, क्योंकि जिन सर ने हमें नोट्स पढ़ाए हैं वो सर बहुत ही शानदार ब्रिलियंट सर थे जिन्होंने हमें ये नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं, सबसे पहले आपको सबसे पहले जो है हमारे पास यूनिट वन में आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा यूनिट वन में। बाकी जो आपकी थ्योरी रहेगी छोटे छोटे नंबर के, एक एक नंबर के, वो आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि MCQ 20 आएंगे तो आपने वो खुद पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्या होते हैं, साथ में चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बाकी इसमें न्यूमेरिकल भी है फर्स्ट चैप्टर में, तो आपने ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम लो। जी हाँ दोस्तों, कौन सा लो, कूलम, जो सबसे मेन क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा कूलम्स लॉ। स्टेट भी करना है, स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसे प्रूफ भी करना है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन इट विद वन एग्जांपल। तो एग्जांपल भी आपने साथ में लिखना है, ठीक है, एग्जांपल भी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं, डिफाइन वन कूलम चार्ज, ये हो रहा कूलम लॉ। उसके बाद है डिफाइन वन कूलम, ठीक है, कूलम चार्ज, ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन कूलम चार्ज लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, उसका उसका प्रूफ भी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देख सुनिएगा दोस्तों वीडियो को, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपने लिख लेने, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में जब मैं मिटाऊंगा। उसका देखो क्वेश्चन है इसी यूनिट का,
डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑफ अ मीडियम। ये भी आपने, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, साथ में इसका आपको प्रूफ भी आना चाहिए, ठीक है, प्रूफ भी करना है। देखिए, कूलम लॉ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सिर्फ डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, बाकी डिफाइन वन कूलम चार्ज का आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, प्रूफ करना भी सीखना है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम की आपने डेफिनेशन भी पढ़नी है, स्टेनबर्ग भी पढ़नी है, और साथ में इसको प्रूफ भी करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में करना है, ठीक है, एक्सप्लेन इन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करना है, और उसको प्रूफ करना है कि कूलम लॉ जो है, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट जो कूलम लॉ है, ठीक है, वो कूलम लॉ है जो ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, फिर से सुन लीजिए, एक्सप्लेन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रूव दैट कूलम लॉ ओबे न्यूटन लॉ, जो कूलम लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो वो ये क्वेश्चन में होगा, ठीक है। इतना कर लिए सबने, मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने, वेरी गुड, ले लिया ना। अब आगे चलते हैं, इसी यूनिट का भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अभी दो तीन क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो आपने न्यूमेरिकल भी कर देने हैं जो आपको लगते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही बताऊंगा। उसके बाद है एक और क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कूलम लॉ, इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, ये आपने देखना है कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है कूलम लॉ की, ये क्वेश्चन में आ जाता है, दो तीन नंबर का आ जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो भी आपने पढ़ लेना है, उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में डाल देते हैं कि जो कूलम लॉ है, इज कूलम लॉ, ठीक है, जो कूलम लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है और नॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ और नॉट, ठीक है, ये आपने देख लेना है कि कूलम जो है वो यूनिवर्सल लॉ है या नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है, ये आपने पढ़ लेना है, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ही चैप्टर टू है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर टू है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है, सरफेस चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो भी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, पढ़ लेना है ये भी, ये मैंने, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है एक आपका, ड्राइव लिखिए, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स और पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजन, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजन, ये क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स और पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट व्हेन सोर्स इज अवे फ्रॉम ओरिजन, देखिए डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, एक में एट ओरिजन है, एक में अवे ओरिजन है, ठीक है, तो ये आपने देख लेने, दो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उसके बाद है मेन है, उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो आपने पढ़ लेनी है। इसमें आपको आएगा वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने पढ़ लेना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी अलग डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी अलग होगी, तो आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखना आप, ठीक है, सुनिएगा, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन, ये देखना आपने मेन पॉइंट इसका, एक्सियल लाइन ऑफ
डाइपोल, ये एक डाइपोल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्राइव एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये कर लिया आपने, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक उसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरह का है, ये एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल है ना, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, इक्वाटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, ये आएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। उसमें एक्सियल था, इसमें इक्वेटोरियल था, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लीजिए, यहाँ जैसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एक और आपको आता है टॉर्क पर, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल पर भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी पर भी आता है ये, ठीक है। यही जहां पर टॉर्क है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में टॉर्क होगा, एक में पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी फिर से आगे चलते हैं, हम हमारे पास चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके हम आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ देते हैं, अभी यूनिट 1 ही चला है दोस्तों, ठीक है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको ठीक लगे वो आपने करना है, ठीक है। उसका चैप्टर 3 है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका पहले क्वेश्चन है, प्रूव दैट वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल पोजिशन ऑफ टेस्ट चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, एक बार चेक कर लेना, आता ही है, ठीक है। उसका आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका देखो मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी यूनिट का, ठीक है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करना है क्या होता है, इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि आपने प्रूफ करना है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन आएगा, डी वी इज इक्वल टू ये, ठीक है, माइनस डी वी ओवर डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपने प्रूफ करना है, मेन क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लेना आपने एक बार, ठीक है, चेक कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्विस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है इसकी, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेनी है, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, प्रूफ करना भी आना चाहिए, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसका एक और आ सकता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपने पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन ये आपने पढ़ लेना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिड्यूस कॉलम लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, जो हमने पहले बताया ना आपको कॉलम लॉ, ठीक है, वो करना है आपने किसके थ्रू, गॉसेस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन होगा, है देख लेना आपने बुक में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा, ये भी कर लेना आपने। और साथ में अप्लीकेशन, अप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, ये आपने कर लेना है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चैप्टर है हमारे पास इसी का, लास्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है इसके मेन, उसका ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आप बोलेंगे इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप पास होंगे टर्म 1 में, अगर टर्म 1 में फेल हो गए तो बेड़ा पार, ठीक है।
हमारा चैप्टर अलग है, अब लास्ट चैप्टर है, यूनिट वन का लास्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेने हैं। जो इसके मेन क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है इसमें, फाइंड इफेक्टिव और नेट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन थ्री कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फाइंड इफेक्टिव और नेट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके साथ ही सीरीज में है, तो इसके साथ आपने क्या करना है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में भी आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है, आपने पढ़ लेना है इसको भी, मेन क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद फिर से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का कि ड्राइव एंड एक्सप्लेनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए। उसके बाद आता है डिफाइन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल, ये भी आपने पढ़ लेना है, दो तीन नंबर का आ सकता है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, फिर से एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये याद है ना आपने, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स, ये आपने पढ़ लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी एक और आगे वन डे ग्राफ जनरेटर अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ये बात आता है कई बार, वन डे ग्राफ, ठीक है, जनरेटर देख लेना, नजर मार लेना, अगर बाई चांस आ गया तो, दो तीन नंबर में इसकी डेफिनेशन आ सकती है, प्रिंसिपल आ सकता है, तो आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसके साथ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है हमारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट पर, ये सबसे बड़ी यूनिट थी, ठीक है, यूनिट वन जो है उसमें बहुत सारे चैप्टर थे, कंप्लीट हो चुकी है, अब टेंशन नहीं है, अब दो यूनिट तीन यूनिट बची, उसमें थोड़ा थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी सबसे बड़ी यूनिट थी, और इसमें 13 नंबर का आएगा, आप देख लीजिए 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ कहाँ से आएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है। सबसे दूसरा यूनिट है हमारे पास, दूसरा यूनिट हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला 11 नंबर का आएगा, छोटी यूनिट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वन करंट। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास इस यूनिट से, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके साथ इसको आपने हमें करना है ड्राइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन टाइम, टाइम दिखाए टाइम, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन है इसका यूनिट का हमारे पास, कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और डिफरेंशिएट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन टाइम, तो देख लेना अपने बुक में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका देखो, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास, ड्राइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द मेन क्वेश्चन। टू क्वेश्चन हो चुके हैं, दो क्वेश्चन हो चुके हैं मेन, उसका स्टेप स्टेट ओम लो, ये आपको आना चाहिए, ओम लो क्या होता है, वेरीफाई प्रूफ करने में आना चाहिए। और उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये भी क्वेश्चन है एक, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, डिफाइन रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ई से हम डिनोट करते हैं, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा, एक नंबर आ सकता है तो देख लेना, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी,
कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है फिर से हमारे पास कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स CRS, ठीक है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है आपके पास, बस आपने ये देखना है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, आपको देखना बुक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। उसका फिर से एक और है, इसी का पार्ट है, ठीक है, कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज R1, R2, R3 इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गए, कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कैसे होंगे वो आपने पढ़ लेना, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर नेट, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R1 3 इन सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या आएगा, उसके साथ ही पैरेलल में क्या होगा तो क्या आएगा, वही क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। उसका एक और होता है कलर कोडिंग भी, इसमें कलर कलर कोडिंग इन कार्बन, कलर कोडिंग इन कार्बन, ठीक है, रजिस्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन और है इसके, वो मैं आपको बताता हूँ, उसका यूनिट खत्म है, ठीक है। उसका यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन आता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एल इज स्ट्रेच सो दैट इट्स डायमीटर बिकम्स हाफ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एल इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट डायमीटर बिकम्स हाफ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो आपने देख लेना। अगर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको तो आपने ये पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सुना होगा आप नाम, आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, अच्छा वो है एक्सप्रेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या होता है उसका प्रिंसिपल भी लिखना है आपने, ठीक है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल है, मतलब कि न्यूमेरिकल ने एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है कि ड्राइव द कंडीशन फॉर बैलेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा एक कि ड्राइव द कंडीशन फॉर बैलेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये प्रूफ करना है आपने पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है स्लाइट वायर ब्रिज, इसके साथ ही स्लाइट वायर ब्रिज, ठीक है। उसके साथ इसका आपने लिखना है, प्रिंसिपल भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग भी लिखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन, ये आता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना, वो भी आते हैं, ठीक है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पढ़ लेना, ये दो तीन नंबर का आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। उसका ये यूनिट खत्म होती है, उसका चलते हैं हम यूनिट 3 पर। देखा यूनिट 2 में से आपको सिर्फ 11 नंबर का आएगा, तो ये हो चुकी है यूनिट 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, ठीक है। यूनिट 3 भी आपको 13 नंबर के आएगी, क्योंकि यूनिट 3 में भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यूनिट 3 हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो वही है मेन क्वेश्चन, बायोट सवाट लॉ, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देख लेना है, स्टेट एंड प्रूव बायोट सवार्ट लॉ, ये क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। यूज इसके आपने वो भी पढ़ना है, एक्सप्रेशन प्रूव करना भी सीखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। उसका देखो क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट, पढ़ लेना है क्वेश्चन भी, ठीक है, एक बार देख लेना है। उसका है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, सर्कुलर क्वाइल वाला आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। अप्लीकेशन इसका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्टेट एंड प्रूव एम्पर लॉ, एम्पर
लॉ, एम्परर क्यूरिकुटल लॉ, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, नाम बोलना भी नहीं आ रहा भाई। ठीक है, एम्परर्स सर्क्यूटल 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 लॉ, ठीक है, देख लेना आपने, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ लेना साथ में, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस यूनिट का, प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, देख लेना आपने अपने बुक में या एग्जामिन मास्टर में, प्रूफ करने के लिए आता है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो एफ इज इक्वल टू एल आई एल ए बी साइन थीटा। एक्सप्रेशन है तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन है, तो आपने इसको बुक में देख लेना है, अपने नोटबुक में देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको है व्हाट इज एमीटर, क्या होता है, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, ये भी आपने पढ़ लेना है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल भी पढ़ लेना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी। डायग्राम, डायग्राम मेन है, डायग्राम अच्छे से बनानी है, ठीक है। हिंट ये आपके लिए कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन में डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम ही सबसे मेन होती है, ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कैसे करवाया आपके टीचर ने, पर हमारे टीचर जो थे बहुत अच्छे टीचर थे, पहले डायग्राम बनाते थे, डायग्राम में पूरा क्वेश्चन था भाई, डायग्राम लिख दी बना दी अच्छे से, उसमें ही पूरा क्वेश्चन था, आंसर था उसका। साइक्लोट्रॉन कर देना आपने, साइक्लोट्रॉन उसका वर्किंग भी प्रिंसिपल भी आपने कर लेना है। उसके बाद पोटेंशियल, ये हो गया है क्वेश्चन, पहले मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो छोटी छोटी डेफिनेशन रहेगी ना, छोटी छोटी डेफिनेशन वो आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको छोटी छोटी डेफिनेशन। उसके बाद है डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है, डिस्कस दैम इन डिटेल्स, ये आपने पढ़ लेना है। व्हाट इज हाइस्टेसिस लूप, क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद आपकी जो यूनिट 3 है वो भी खत्म, ठीक, हाँ यूनिट 3 खत्म हो चुकी है, अब यूनिट 4 में चलते हैं, ठीक है। यूनिट 3 में इतना सही है, बस आपने ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट 4, जो कि इससे भी 4 नंबर का आएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है, डेफिनेशन होगी फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है, और थोड़ा सा डायग्राम बारे में पढ़ लेना है। फ्रेडेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन फ्रेडेज एक्सपेरिमेंट, फ्रेडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। फ्रेडेज लॉ क्या होता है, फ्रेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ये मेन क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको तो 1-2 नंबर में आ जाएगा, डायग्राम देख लेनी है। फ्रेडेज एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है, दिस इज द मेन क्वेश्चन, फ्रेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द मेन क्वेश्चन, ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, पढ़ लेना है आपने। उसके बाद आता है प्रूव दैट लेंज लॉ ओबेज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ लेना है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफाइन कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये ठीक है, डिफाइन कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, आल्सो डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, दिस इज द मेन क्वेश्चन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल क्या होता है, आल्सो डिफाइन इट्स एसआई यूनिट भी डिफाइन करना है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडी करंट, एडी करंट, ये आपने पढ़ लेना है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्कस द ओरिजन, इसकी आपने डायग्राम देख लेनी है कि डायग्राम कैसे बनती है, और ये देख लेना, एडवांटेज भी देख लेना इसकी, डिसएडवांटेज भी देख लेना। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइट, सोलेनाइट सोल सोलनाइट सोलनाइट सोलनाइट, ठीक है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइट, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया इसमें,
कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 नंबर का आएगा इस यूनिट से, तो पढ़ लीजिए ठीक है दोस्तों, अगर पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो यह क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल है इसमें, उसके बाद इसका चैप्टर टू है इसका, ठीक है इसका ही चैप्टर टू है, पहले ये चैप्टर वन के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, ये अब चैप्टर टू चलेगा ठीक है। चैप्टर टू में भी थोड़े बहुत मेन क्वेश्चन है, उसका एक चैप्टर है बस, उसके बाद आपकी यूनिट फोर खत्म हो जाएगी ठीक है, उतना ही आपको सिलेबस आएगा टर्म वन में ठीक है। सो गाइस अब चैप्टर टू है हमारे पास, यूनिट फोर का अल्टरनेटिव करंट क्या है, तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है ठीक है, उसका आपने डायग्राम देख लेना है ठीक है। उसके बाद ये डिफाइन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट एंड हेंस ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, कि ये मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन क्या है। उसके बाद वर्चुअल, डिफाइन वर्चुअल और आरएमएस, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट और हैंस इस एक्सप्रेशन, मतलब कि वर्चुअल क्या होता है और आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट और इसका एक्सप्रेशन आपने पढ़ लेना है ठीक है। उसका द प्रूफ दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम प्लेस व्हेन अल्टरनेटिव करंट फ्लोस थ्रू रेजिस्टर ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी आपने पढ़ लेना है। बाकी वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है आगे की ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद चैप्टर थ्री है, चैप्टर टू में इतना सही है ठीक है, ये पढ़ेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। चैप्टर थ्री है इसका इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो उसके बाद चलावा चैप्टर थ्री है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, राइट इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी, ये आपने पढ़ लेना है ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका दे राइट एनर्जी लॉसेस लूजेस इन ट्रांसफॉर्मर, लूजेस लूजेस ठीक है इन ट्रांसफॉर्मर, ये भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में आ जाता है ठीक है, 3-4 नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन ठीक है, कि वाई एनर्जी लूजेज इन ट्रांसफॉर्मर, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है ठीक है। और उसके बाद आपके इसमें क्वेश्चन जो है वो बस एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें लास्ट यूनिट के, कि 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात है एग्जाम में कि 200 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्टेज ऑफ डीसी, ये आपने क्वेश्चन आपने अपने बुक में ढूंढ लेना है और कर लेना है ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ठीक है। बाकी इतना सही है ठीक है, ये आपका हो चुका है बीसीए, सॉरी ये आपका हो चुका है यूनिट फोर कंप्लीट, जो आपके टर्म वन में सिलेबस आएगा, जो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना गाइस, वो क्वेश्चन आपने पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ठीक है, वीडियो लंबी चली गई पर वीडियो को आपने देखना है ठीक है पूरा। बाकी ये 1 2 3 4 यूनिट आ गई है टर्म वन में, तो टर्म टू में 10 नहीं आएगी। अब आपको एक पॉइंट देता हूँ लास्ट में ठीक है, एक सजेशन, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो डायग्राम होती है ना, डायग्राम वो आपने अच्छे से बनानी है ठीक है, डायग्राम के ही नंबर मिलते हैं याद रखिएगा, अगर आपने डायग्राम एक्यूरेट बनाई है क्वेश्चन खुद ही एक्यूरेट हो जाएगा ठीक है, पहले डायग्राम ही बनानी है, सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम, क्वेश्चन देखना है क्या बोला है, क्या डायग्राम बनेगी, वो डायग्राम बनानी है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन करने हैं ठीक, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आपके टर्म वन एग्जाम होंगे, कैसे कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है अपने एग्जाम में। तो फिलहाल अभी टर्म वन में पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से ठीक है वो आपने कर लेने हैं, ये टर्म वन के लिए था, टर्म टू के लिए अलग से आएगा, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म टू में, वो मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा टर्म टू में ठीक, जब आपके टर्म टू एग्जाम होंगे उससे पहले ठीक है। तो इस वीडियो में इतना सही, ये 12th क्लास वालों के लिए था फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022, आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है दोस्तों, कि हमारे लिए हेल्पफुल वीडियो है, लास्ट में वीडियो का कोड लिख लीजिए, देखते हैं किसने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है ठीक है,
हर बार मैं वीडियो को लास्ट में कोट देता हूँ, वो कोट अगर कमेंट करता है तो मुझे लगता है तब पता कि उन्होंने मेरी वीडियो को लास्ट में देखा है। तो कोट रहेगा इस वीडियो का 3 1 2 1, ठीक है? दिस इज कोट, कमेंट कीजिए, ठीक है? कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, ठीक है? कमेंट कीजिए 3 1 2 1। जिसने भी ये कमेंट कर दिया मैं मान लूंगा कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। देखना भी चाहिए क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना सही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशन न्यूज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।